राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि साथ आए, लेकिन विडंबना देखिए कि आजादी के 70 साल बाद देश के तमाम बड़े राजनीतिक दलों की राजनीति स्पष्ट नहीं है कि वो मुखर होकर के बहुजनों के पक्ष में मंच साझा करें या न करें। ऐसे मौके पर हम यहाँ पर इकट्ठा हुए, इसलिए हमारे बीच में कुछ ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जो खुल करके कहते हैं कि ये मुल्क होगा तो सबका होगा, ये विश्वविद्यालय होंगे तो सबके होंगे, ये देश वही नहीं होगा जो सत्ता में बैठे कुछ लोग चाहते हैं, ये देश उसका होगा जिसके जितनी संख्या भारी उसके उतने हिस्सेदारी। इसलिए उन मुखरताओं से जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनमें से कुछ लोगों को आज हम अपने बीच में पाए। हमने प्रयास भी किया है कि और लोग शामिल हो, तो हम चाहते हैं कि अब ये मंच उन विश्वविद्यालय के प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी बात को कहे और मुद्दे पर बात करें कि अगर दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक और छात्र मिलकर के इंडिया फॉर सोशल जस्टिस फोरम बना करके इस बात के लिए एक हिम्मत करते हैं कि हम उन जगहों पर खड़े हैं जो आरक्षण विरोधी हैं, तो ये मंच उन्हें ताकत देगा कि अब हर उस जगह पर मंच बने, हर उस जगह पर सामाजिक न्याय युवा सम्मेलन हो, जहां जहां इसकी जरूरत हो तभी इस मुल्क को हम बचा पाएंगे। तो आइए उस पर बातचीत करते हैं और विश्वविद्यालय के अलग अलग प्रतिनिधियों से सुनते हैं कि कैसे वो इस निजीकरण के खिलाफ, ऑटोनॉमी के खिलाफ, आरक्षण विरोधी रोस्टर के खिलाफ और स्थायी नियुक्तियों के खत्म करके ठेकेदारी के खिलाफ जो ये काम कर रही है सरकार, उससे कैसे लड़ेंगे और अपने अपने विश्वविद्यालयों में क्या योजना बनाएंगे कि इसकी रणनीति को हम आगे बढ़ाएं।